राजौरी में, ओवर टू यू, बात कीजिए। आज तो यहाँ पर सियासत भी हो रही है, महबूबा मुफ्ती धरने पर आज जब वोटिंग हो रही है, पंकज जी बिल्कुल। देखिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं और जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर सुबह से ही 7 बजे से ही मतदाताओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये आप देखिए कि मैं इस समय राजौरी जिले में हूँ, नौशहरा सेक्टर है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता है वो बेहद ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आइए सीधे इन मतदाताओं से बातचीत करते हैं, इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे आपके लिए हैं? मुद्दा फिर नहीं, बहुत तनाव करना है, करना है उसको जाया नहीं करना है, फिर बाद में देखेंगे क्या उसमें। फिर पहला तो वोट है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई तो बहुत है, बहुत है, हर आदमी को नजर आ रही है कितनी महंगाई हो रही है। पहला क्या सिस्टम था, आज क्या चल रहा है, गरीब दिन से दिन वो नीचे चले जा रहा है। जो वादे सरकार ने आप लोगों से किए थे उन वादों को पूरा किया? कख नहीं, कुछ नहीं वादा पूरा किया। अगर वादे पूरे करते तो फिर आप इसी ये हालात नहीं होती थी। कुछ नहीं वादे किए, जो किए थे वो सो वहाँ ही छोड़ दिए। युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है? यही सोच के वोट कर रहे हैं सर कि आने वाला फ्यूचर जो है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, इसीलिए कोई अच्छे जगह करेंगे वोट तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। नशा लगातार बढ़ते जा रहा है, वो भी मुद्दा है? बिल्कुल सर, नशा बहुत हो चुका है। नशे को कम करने के लिए हमें खास करके युवाओं को सोच के वोटिंग करनी चाहिए। और आपके अच्छे इलाके में विकास हुआ है? विकास अभी तो नहीं, पर हमारी तो कोशिश है कि विकास रहेगा। तो यहाँ तक वोटिंग की बात है, हम सुबह से लाइन पे लगे हैं कि चाहते हैं कि वोटिंग हो तो हमारा कुछ अच्छा हो, लेकिन पीछे तो हुआ नहीं, पर नेक्स्ट हमारा युवा का यही है कि जो भी हो तो अच्छा हो। जी पंकज, राजौरी जिले में आप रहते हैं तो राजौरी जिले की जनता क्या सोच? ये देखिए राजौरी में वहां का हाल बता रहे थे आपको पंकज मेरे सहयोगी। और पिछली बार जम्मू कश्मीर में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली थी, एक बदलाव देखने को मिला था, और एकमात्र जहां सबसे ज्यादा 60% के करीब वोटिंग हुई थी वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। इस लिहाज से आज यहां की वोटिंग पर नजर रहने वाला है।